सुबह के 10 बज रहे हैं और आज मौसम कुछ अच्छा है और 4 दिन से यहाँ पे फॉग के वजह से यहाँ पे सब धुंधला धुंधला और कुछ ना दिखने के वजह से यहाँ पे थोड़ी अर्थव्यवस्था थोड़ा डाउन हो गया है। लोग खेतों में काम नहीं कर पा रहे और अपने फसल को पानी नहीं दे पा रहे इस ठंडी की वजह से। तो आज कुछ मौसम ठंडा है और इस ठंडी की वजह से थोड़ा धूप भी उगा है, तो लोग अपने अपने खेतों में थोड़े काम कर रहे हैं और मैं भी ज़रा बाहर आया हूँ देखने के लिए मौसम कैसा है। 4 दिन से मैंने फॉग की वजह से इस मौसम को देखा नहीं और ये ग्रीन इन्वायरमेंट को देखा नहीं, तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ और देख रहा हूँ क्लाइमेट कैसा है। धूप की वजह से सारा क्लाइमेट अच्छा है और लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। पे कुछ किसान लोग अपने खेतों में पानी दे रहे, तो मैं जा रहा हूँ। ये मेरे भाई है जो अपने गाय को चारा दे रहे। आज धूप उगने की वजह से थोड़े लोग एक्टिव है, फॉग की वजह से लोग यहाँ बहुत हालत ख़राब है। ये सरसों के खेत है और लोग खेतों में पानी दे रहे। ये सब सारे लोग हैं जो धूप खाते हुए अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये खेतों में मोटर से पानी जा रहा है और ये पानी खेतों में जा रहे हैं। ये रहा जो मोटर से पानी जा रहा है खेतों में, तो लाइट भी आ चुकी है और खेतों में लोग किसान अपने अपने पानी दे रहे हैं। ये काफ़ी यूनिक, देखिए पाइप कितने दूर तक लगा हुआ है। इस मोटर से उस मोटर से पानी आ रहा है और ये मोटर यहाँ पर यहाँ से ये खेतों में जा रहा है और ये आलू की खेती है, तो आलू के खेत में पानी देना ज़रूरी है और खेत सूख चुका है, तो ये किसान भाई पानी दे रहे हैं। यहाँ पे भी एक पाइप बिछाया गया है तो इस खेत को पानी मिलने के बाद इस सरसों के खेत में पूरा पाइप यहाँ पे लगाया जाएगा। ये पाइप रखा हुआ है पूरे, और ये एक पगडंडी है और ये सामने सरसों का खेत है। बहुत ही खूबसूरत फूल है सरसों का, पूरा येलो येलो है। चारों तरफ मेरे थोड़े कुछ सरसों के खेत लगाए गए हैं। अभी ये जो सरसों के खेत हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, 20-25 दिन में फूल आ जाएंगे इसको भी। तो ये है मेरे गांव का क्लाइमेट, और अगर आपको मेरा गांव अच्छा लगा रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।